हेलो किसान भाइयों, राम राम। स्वागत है आप लोग का बार फिर से किसान बाजार भाव में। मैं सनी कुमार गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों एनसीडीएक्स बाजार में प्रमुख जिंसों के भाव 21 दिसंबर 2021 को क्या देखने को मिले, कौन से जिंसों में तेजी रही और कौन से जिंसों में नरमी रही। आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद हो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। किसान भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे किसान भाई जानकारी पहुंचे और इस जानकारी का लाभ उठा सके। तो आइए किसान भाई, आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। जानते हैं एनसीडीएक्स के सभी जिंसों के बाजार भाव के बारे में। चलिए किसान भाई, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सोयाबीन के बाजार भाव में। बाजार खुला 6028 रुपये पर। अधिकतम भाव की बात करूँ 6160 रुपये। बात करें न्यूनतम भाव के तो 6028 रुपये देखने को मिले। तेजी मंदी की बात करो दोस्तों, आज यहाँ पर 149 रुपये की गिरावट देखने को मिल रही है सोयाबीन में। बात करते हैं यहाँ पर अरंडी के बाजार भाव में। बाजार खुला 6090 रुपये पर। अधिकतम भाव की बात करूँ 6112 रुपये। बात कर लेते हैं नवोत्तम भाव के 5972 रुपये देखने को मिले हैं। वहीं पर तेजी मंदी की बात करो दोस्तों यहाँ पर तो 18 रुपये तेजी के साथ यहाँ पर अरंडी के बाजार भाव देखने को मिले। नेक्स्ट में बात करेंगे यहाँ पर चना के बाजार भाव में। बाजार खुला पर 4660 रुपये। अधिकतम भाव की बात करूँ 4700 रुपये देखने को मिले। नवोत्तम भाव की बात करें 4660 रुपये। बात करें यहाँ पर तेजी मंदी के दोस्तों यहाँ पर 15 रुपये तेजी के साथ यहाँ पर चना के बाजार भाव देखने को मिली है। अब किसान भाई बात करेंगे बाजरा के बाजार भाव में। बाजार के 1738 रुपये पर। अधिकतम भाव की बात करें 1835 रुपये। बात करें नवोत्तम भाव के 1690 रुपये देखने को मिली है। वहीं पर तेजी मंदी की अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर 25 रुपये तेजी के साथ यहाँ पर बाजरा के बाजार भाव देखने को मिली है। किसान भाई बात करते हैं यहाँ पर गवार गम के बाजार भाव में। बाजार खुला 11050 रुपये पर। अधिकतम भाव की बात करूँ 11050 रुपये देखने को मिले। वहीं पर न्यूनतम भाव की बात करूँ 10653 रुपये देखने को मिले। तेजी मंदी की बात करूँ दोस्तों यहाँ पे 228 रुपये गिरावट के साथ यहाँ पे गवार गम के बाजार भाव देखने को मिले। नेक्स्ट में बात करें गवार सीड के बाजार भाव में। बाजार खुला 6062 रुपये पर। अधिकतम भाव की बात करूँ 6094 रुपये। बात करें न्यूनतम भाव के 5902 रुपये देखने को मिले। वहीं पर तेजी मंदी की बात करूँ दोस्तों यहाँ पर 10 रुपये तेजी के साथ यहाँ पे ग्वार सीड के बाजार भाव देखने को मिले। आई किसान भाई नेक्स्ट में बात करते हैं यहाँ पर धनिया का बाजार भाव में। बाजार खुला 8790 रुपये पर। अधिकतम भाव की बात करें दोस्तों 8790 रुपये। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं न्यूनतम भाव के 8782 रुपये देखने को मिले हैं। तेजी मंदी की बात करें दोस्तों यहाँ पर 38 रुपये तेजी के साथ यहाँ पे धनिया का बाजार भाव देखने को मिले। नेक्स्ट में बात करें जीरा के बाजार भाव में। बाजार खुला 16050 रुपये पर। अधिकतम भाव की बात करूँ 16200 रुपये देखने को मिले। वहीं पर न्यूनतम भाव की बात करें 16040 रुपये देखने को मिले। तेजी मंदी की बात करें दोस्तों यहाँ पर 15 रुपये तेजी के साथ यहाँ पर जीरा के बाजार भाव देखने को मिले। नेक्स्ट में बात करें कपास के बाजार भाव में। बाजार खुला 1827 रुपये पर। अधिकतम भाव की बात करें 1838 रुपये देखने को मिले। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं न्यूनतम भाव के 1810 रुपये देखने को मिले। तेजी मंदी की बात करें दोस्तों आज कपास में यहाँ पे 6 रुपये तेजी के साथ यहाँ पे कपास के बाजार भाव देखने को मिले। नेक्स्ट में बात करें रिफाइंड सोया तेल के बाजार भाव में। बाजार खुला 1185 रुपये पे। अधिकतम भाव की बात करूँ 1185 रुपये देखने को मिले। वहीं पर न्यूनतम भाव की बात करें 1145 रुपये देखने को मिले। तेजी मंदी की बात करें दोस्तों यहाँ पे तो 22 रुपये तेजी के साथ यहाँ पे रिफाइंड सोया तेल के बाजार भाव देखने को मिले। बात करें यहाँ पर सरसों के बाजार भाव में तो बाजार खुला 7900 रुपये पे। अधिकतम भाव की बात करूँ 7900 रुपये। बात करें नवोत्तम भाव की दोस्तों 7850 रुपये देखने को मिले। तेजी मंदी की बात करूँ तो यहाँ पर 86 रुपये गिरावट के साथ यहाँ पे सरसों के बाजार भाव देखने को मिले। बात करें यहाँ पर दोस्तों हल्दी के बाजार भाव में। बाजार खुला 9148 रुपये पर। अधिकतम भाव की बात करूँ 9230 रुपये देखने को मिले। वहीं पर नवोत्तम भाव की बात करूँ 9076 रुपये देखने को मिले। तेजी मंदी की बात करूँ दोस्तों यहाँ पर 68 रुपये तेजी के साथ यहाँ पर हल्दी के बाजार भाव देखने को मिले। अब बात करें पर नरमा के बाजार भाव में। बाजार खुला 8425 रुपये पर। अधिकतम भाव की बात करूँ 8425 रुपये। बात करें नवोत्तम भाव के तो यहाँ पर 8200 रुपये देखने को मिले। तेजी मंदी की बात करूँ दोस्तों यहाँ पर 65 रुपये तेजी के साथ यहाँ पे नरमा के बाजार भाव देखने को मिले। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ पर गोल्ड रेट के बारे में, जो कि दोस्तों यहाँ पर 22 ग्रेड का गोल्ड रेट 47680 रुपये प्रति 10 ग्राम देखने को मिले। बाजार की बात करें दोस्तों तो आज बाजार गोल्ड में सामान देखने को मिल रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं 24 ग्रेड के बारे में, जो कि गोल्ड रेट 48680 रुपये प्रति 10 ग्राम देखने को मिले। यहाँ पर भी दोस्तों आज बाजार सामान देखने को मिल रहे। तो दोस्तों यदि आज के एनसीडीएक्स कमोडिटी बाजार के बाद दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। किसान भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे किसान भाई जानकारी पहुंचे और जानकारी का लाभ उठा सके। चलो दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि वीडियो पसंद है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।